इफ़ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सलेशन ए इक्वल टू जीरो यानी यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो एक्सलेशन जीरो होगा नाउ अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर इन टेन सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट यानी कि एक स्कूटर स्टार्ट होने के तुरंत बाद 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को एक्वायर करती है कैलकुलेट द एक्सलेशन ऑफ द स्कूटर द फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कन्वर्ट द गिवन वेलोसिटी इनटू प्रॉपर यूनिट्स

And this equals to thirty six hundred second. So now thirty six kilometer per hour equal to thirty six thousand meter by thirty six hundred second, and this equals to ten meter per second. Thus, the given to thirty six per hour is equal to ten meters per second. सिंस स्कूटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू जीरो होगा एंड देन फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है एक्सडेशन इक्वल टू वट यानी कि यहाँ पर एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है टाइम यानी कि टी दिया गया है टेन सेकेंड तो यहाँ पर बाय पुटिंग दिस वैल्यूज इन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा कि हम जानते हैं कि वी इक्वल टू यू प्लस ए टी जहाँ पर हमारे सामने इन्फॉर्मेशन दिया गया हो यू वी टी दिया गया हो और एक्सलेशन का रॉ फाइंड करने तो वहां पर इन सारे इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करने वाला जो इक्वेशन है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो यहाँ पर v इक्वल यानी कि फाइनल वेलोसिटी दिया गया है 10 तो 10 लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u इक्वल टू जीरो प्लस एक्सलेशन हमें चूंकि फाइंड करना है तो इसलिए a को ए ही रहने देंगे इन टू टाइम यहाँ पर 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड लिखेंगे सो नाउ यहाँ पर जीरो प्लस ए इन टू टेन ए जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेन ए और इधर जीरो का कोई इफेक्ट नहीं होगा तो यानी कि टेन ए इक्वल टू टेन होगा एंड देन इक्वल टू टेन बाय टेन एंड देन इक्वल टू वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दस द एक्सलेशन इज वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड क्वेश्चन इज अंग ट्रेन इज ब्राउ टू रेस्ट विद इन ट्वेंटी सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स यानी कि एक चलती हुई ट्रेन को रेस्ट में लाया जाता है विद इन ट्वेंटी सेकेंड्स यानी बीस सेकेंड के अंदर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स यानी ब्रेक्स लगाकर फाइंड द इनिशियल वेलुस्टी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सोनाओ वी नो दैट रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सलेशन सो इफ द रिटार्डेशन इज प्लस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द एक्सलेसन विल बी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आर इनिशियल वर्सिटी यू इक्वल्स टू वट जिसे हम लोग को कैलकुलेट करना है फाइनल वर्षिटी वी इक्वल्स टू जीरो वो इसलिए कि इस क्वेश्चन में ट्रेन को रेस्ट में लाया जा लाया जाता है इसलिए फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे एक्सलेसन इक्वल टू माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो इसलिए कि रिटार्डेशन दिया गया था और जब एक्सलेसन में जब लिखना हो तो यहाँ पर बोलेंगे माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी माइनस साइन यूज करते हैं टाइम यानी कि टी इक्वल्स टू ट्वेंटी सेकेंड ना पुटिंग दिज वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला यानि कि अब हम इसे कौन से फॉर्मुल पुट करते हैं तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी में जहाँ पर वी इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे यू को हम लोग वैसे ही रहने देंगे प्लस ए के जगह पर यहाँ पर माइनस टू लिखेंगे इन टू टाइम टाइम के जगह पर हम लोग ट्वेंटी लिखेंगे देन जीरो इक्वल्स टू यू और यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस एंड टू इंटू ट्वेंटी तो यानी हो जाएगा फोर्टी और जब माइनस फोर्टी को दूसरे साइड जब ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में तो लिखेंगे यहाँ पर यू इक्वल्स टू फोर्टी मीटर पर सेकेंड दस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज़ फोर्टी मीटर्स पर सेकेंड